चमोली के जंगल में बादल फटने से दो लोग लापता हो गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक कुलदीप रावत और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने सर्च अभियान चलाया और दोनों के शव बरामद किए। मृतकों के परिजनों ने बताया कि यह दोनों लोग जंगल में डेरा डाल कर रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बरामद शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।